गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहा है सुबह के 9 और ना हमें जाना है आज मेरे मामा के एंगेजमेंट के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे मामा की अभी एंगेजमेंट हो रही है, तो हाँ ये जो मामा है मेरे मम्मी के चाचा के बेटे हैं, तो इसी वजह से उनकी एंगेजमेंट लेट हो रही है। बहुत छोटे थे वो, तो वो मेरे एज के ही हो गए, तो इसी वजह से उनकी एंगेजमेंट अभी हो रही है और आज हमें उनकी एंगेजमेंट के लिए जाना है। और एक घंटे का ही रास्ता है यहाँ से। मैं हूँ मम्मी के यहाँ पे, जैसे कि आप बैकग्राउंड से देख ही पा रहे हो मैं मम्मी के घर पे हूँ, तो इसी वजह से यहाँ से ही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से ही एक घंटे का रास्ता है जैसे कि अकोला में, और अकोला में एंगेजमेंट है। और हाँ, मुझे कौन कौन अकोला से देखता है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे मायके के पास से मुझे देखते हैं, और वहाँ पर तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव है अकोला में। अकोला से अगर कोई देखता है मुझे तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। बहुत सारे रिलेटिव्स हैं मेरे अकोला में। एक्चुअली मैं शादी के बाद मेरे घर पे गई थी, बट वहाँ पर मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो मैं रेस्ट करने के लिए यहाँ पर आ गई थी दोबारा से। तो और अभी जाने वाली हूँ एक दो दिन में घर पे, बट उससे पहले अभी एंगेजमेंट अटेंड कर लेती हूँ। और इनकी जब शादी होगी वो एकदम प्रॉपर गांव में होगी, तो वो शादी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगले महीने में ही शादी है, तो शादी के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं रेडी होने वाली थी, तो मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं क्या पहनूँ। एक्चुअली मैंने ये साड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं लाई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे रेस्ट करने के लिए आना था, मुझे कहीं जाना नहीं था, इस वजह से कुछ साड़ियाँ वगैरह नहीं लाई थी मैंने। कुछ कुर्तीज़ लेके आई थी, तो उसमें से ही मैं एक पहन लेती हूँ। और मैं ऊपर दो कुर्तीज़ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरा से। दो कुर्तीज़ लेके आई हूँ, उसमें से कौन सी पहनूँ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ उसमें से कौन सी पहनूंगी वो देखती हूँ। ये है फर्स्ट कुर्ती जो ब्लू कलर में है, और इसके नीचे ये प्लाजो है, और इसके ऊपर अगर ये पहनती हूँ मैं तो इसके ऊपर ये बेली जाएगी आई थिंक, या इसके ऊपर जाएगी पता नहीं यार, मैं मम्मी से पूछूंगी। ये एक चप्पल निकाल के रखी है मैंने, ये एक बेली निकाल के रखी है। उसके बाद इसमें से कौन सी पहनूँ समझ में नहीं आ रही है, ये कुर्ती पहनूँ, ये कुछ इस तरह से है, मतलब येलो और रेड कलर में है, और ये इसके नीचे प्लाजो है, इसके नीचे लेगिन आएगा, तो और ये बेली भी इसके ऊपर आई थिंक अच्छी लगेगी, ये वाली बेली इसके ऊपर भी सूट कर जाएगी। और ये वॉच पहनने वाली हूँ मैं, और उसके बाद ये वाला नेक पीस पहनने वाली हूँ, मतलब छोटा सा है बट बहुत क्यूट है। इस तरह से इसकी इयररिंग्स है, बहुत अच्छे से शाइन करते हैं। और एक सिंगल चैन है, उसके अंदर एक पेंडेंट है, मैचिंग इयररिंग्स है। तो ये एक सेट है, मतलब ज़्यादा कुछ लाया नहीं था मैंने, इसी वजह से यही जो लाया है वही पहनने वाली हूँ। वॉच बहुत सुंदर है, मैं सोच रही हूँ कि ये वाली कुर्ती पहनूँ, ज़्यादा अच्छी लगेगी एंगेजमेंट के लिए। देखती हूँ पहन के, मतलब ये थोड़ी सी मतलब रेगुलर यूज़ के लिए या छोटा मोटा फंक्शन है उसके लिए अच्छी लगेगी ये वाली, बट ये मुझे थोड़ा सा इस पर वर्क है और अच्छी लगेगी यार ये, यही पहन लेती हूँ। और इसमें मेरा सारा मेकअप है, एक्चुअली मेकअप इसलिए लाया था मैंने, मैंने सोचा था कि मैं कोई वीडियो वगैरह शूट कर लूँगी, तो इसी वजह से मेकअप लाया था मैंने। ये एक दो कुर्तीज़ लाई थी, तो वीडियो कोई बना नहीं पाई, इसी वजह से अभी यही कुर्तीज़ मेरी एंगेजमेंट में काम आ रही है। ये देखो ये कुर्ती मैंने पहन के देखी, बट ये ना मुझे एंगेजमेंट के लिए थोड़ी सी सिंपल लग रही है, तो ये कुछ इस तरह से एंगेजमेंट के लिए मुझे सिंपल लग रही है थोड़ी सी, इसी वजह से मैं ना वही येलो कुर्ती पहनने वाली हूँ। देखो ये वाली कुर्ती पहन ली मैंने और बहुत सुंदर लग रही है, आप देख सकते हो। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, फुल आप देख लीजिए। इसके नीचे ना मैंने एंकल लेंथ लेगिंग पहना है, और बहुत सुंदर लग रही है यार, घेर बहुत ज़्यादा है इसमें, एंगेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी ये वाली कुर्ती। तो चलिए अभी रेडी हो जाती हूँ, मेकअप वगैरह करती हूँ, थोड़ा सा हाथों से ही लगाना पड़ रहा है अभी फाउंडेशन, कोई ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह कुछ भी नहीं लाया मैंने, ब्रशेस भी नहीं लाया है। तो मैंने कलर बार का ये प्राइमर अप्लाई किया है सबसे पहले, उसके बाद ये जो है फाउंडेशन लॉरियल का इनफेलेबल फाउंडेशन 24 आवर, ये अप्लाई कर रही हूँ। तो इसमें मेरा शेड मैं आपको बता दूँ, इसमें कौन सा शेड है मेरा, सैंड 220 सैंड मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो ये अच्छे से मैच कर जाता है मेरे स्किन टोन से। यहाँ पर अभी मुझे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करना पड़ रहा है। वॉच पहन लेती हूँ और रेडी हो गई हूँ मैं। और हाँ, मैं जो बेली पहनने वाली हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी पहनूँ, मतलब चप्पल कौन सी पहनूँ उसमें से, मैं उसमें भी कंफ्यूज हो रही हूँ। देखिए ड्रेस वगैरह पहन लिया है, मेकअप रेडी हो गया है, अभी छोटी सी एक बिंदी लगा लेती हूँ और बाल नीचे जाके ठीक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोम नहीं लाया ऊपर,
यहाँ पर मैं हूँ मेरे बीच वाले भाई के रूम में, और वो यहाँ पे नहीं रहता है ना, तो इसी वजह से उसकी रूम खाली रहती है, तो हम लोग यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं जब भी हम लोग आते हैं। तो बहुत प्यारी लग रही है यार, सुंदर लग रही है। इसमें मैंने ये हैंड मंगलसूत्र पहना है, इसमें ये वॉच पहनी है, नेक पीस देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये इयररिंग्स है उस पर, और इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत प्रीटी है। अभी बेली बताती हूँ आपको, सैंडल ये पहनूँ इस पर या ये पहनूँ, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ फिर बताना मुझे। ये सुंदर लग रही है मुझे तो इस पे, ये भी पहन के दिखा देती हूँ आपको। इससे ज्यादा अच्छी मुझे इस वाले कुर्ती पे ये लग रही है ना? आपको कौन सी अच्छी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो ये पहनने वाली हूँ। ये वाली इस तरह से है, फ्लैट है, और यहाँ पर ये चोटी की डिजाइन है, और पूरी फ्लैट है ये वाली, रोज गोल्ड कलर में है, और ये मल्टी कलर में है, तो ये कोई भी कलर पे सूट हो जाती है, तो ये वाली न्यू ही है दोनों भी। और हाँ, ये जो सारे मैंने चीज़ें ली है, उस स्टोर का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप स्टोर के लिंक पे क्लिक करके ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पर देख सकते हो, और भी प्रोडक्ट वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो इन प्रोडक्ट की। तो चलिए फिर मैं नीचे जाती हूँ, और नीचे जाके थोड़ी सी बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ, सिंदूर वगैरह लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मम्मी पापा भी यहाँ पर रेडी होके बैठे हैं, बट भाभी रेडी हो रही थी इसी वजह से वो भी वेट कर रहे थे, और मैं भी वेट कर रही थी, मैं भी रेडी हो गई थी, बस भाई और भाभी रेडी हो जाए, वो नीचे आ जाए, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। एक्चुअली ना मेरे मासी का बेटा भी यहाँ पे ही था, बड़ा बेटा, तो उसको भी छोड़ना था, क्योंकि वो लोग अकोला में रहते हैं, तो उसे भी अकोला में उसके घर छोड़ना था, और उसको भी साथ में लेना था हमें, क्योंकि वो रुक गया था, उसकी मम्मी और पापा चले गए थे, जैसे कि आपको व्लॉग में दिखाया था मैंने, वो लोग चले गए थे छोटे बेटे को लेके, और बड़ा बेटा यहाँ पर ही रुक गया था, क्योंकि माही वगैरह थी, तो यहाँ पर उसको अच्छा लगता है। वैसे स्कूल भी नहीं है अभी, तो इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस तो कहीं पर भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से उसने यहाँ पर ये सारा कुछ वो अटेंड कर रहा था, उसके ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, तो भाभी वगैरह भाई वगैरह रेडी हो गए थे यहाँ पे, बस हम लोग निकल जाएंगे। और वैसे 12 बजे का मुहूर्त था वहाँ पे सगाई का, तो इसी वजह से सगाई 12 बजे नहीं हुई, लेकिन 12 बजे का मुहूर्त निकाला था, बट मुहूर्त पे सगाई तो नहीं हुई, शाम को सगाई हुई। और एक बार और बता दूं कि जल्दी से अकोला के सब्सक्राइबर्स कमेंट करके बताइए कि अकोला से मुझे कौन कौन देख रहा है। चलिए बस निकल चुके हैं हम लोग जाने के लिए, यहाँ से 1 घंटे का ही रास्ता है, इसी वजह से कुछ इतना ये नहीं लग रहा है कि यार लेट जा रही है या कुछ, क्योंकि एंगेजमेंट भी शायद एंगेजमेंट का मुहूर्त भी 11 या 12 बजे का है, तो इसी वजह से हम लोग तो भी 10 बजे ही निकल रहे हैं। चलिए निकलते हैं और वहाँ पर जाके दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे होती है हमारे साइड की एंगेजमेंट। भाई की एंगेजमेंट तो आपने देखी ली, मामा की एंगेजमेंट कैसी होगी तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बस निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ गया है, और ना हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी यार घर से ही, क्योंकि नाश्ता वगैरह घर पे नहीं गया था, तो पापा बोल रहे थे कि रास्ते में ही रुकेंगे, इसी वजह से नाश्ते में टाइम मत वेस्ट करो, इसी वजह से फिर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे हम लोग, ताकि हम लोगों को नाश्ता वगैरह हम लोग करें और उसके बाद हम लोग निकल जाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ फिक्स नहीं था कि हमें वहाँ पर जाते ही खाना खाने के लिए मिलेगा या फिर पहले सगाई होगी उसके बाद खाना होगा, तो ये तो हमें नहीं पता था, तो इसी वजह से पापा बोल रहे थे कि यहाँ पर ही नाश्ता कर लो उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ पर जाने के बाद पता चले कि शाम को खाने के लिए मिले, तो इसी वजह से हम लोग फिर नाश्ता करने आए थे, फिर हम लोगों ने सबके पसंद का सब लोगों ने नाश्ता ऑर्डर किया, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ पर, तो टाइम ही हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 10 बजे निकले थे, फिर उसके बाद यहाँ पर आधा घंटा तो हमारा वेस्ट हुआ ही यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ पर कुछ एंगेजमेंट वगैरह स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक, क्योंकि पहले खाना था और फिर एंगेजमेंट, इसी वजह से एंगेजमेंट तो स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अच्छा था हमारे लिए भी कि एंगेजमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर
मैंने किया था सांभर वड़ा ऑर्डर, तो सबने सांभर वड़ा ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सांभर वड़ा। किस किस को सांभर वड़ा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं ज़्यादातर सांभर वड़ा, इडली सांभर ऐसे ज़्यादातर बाहर खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम सब ने सांभर वड़ा खाया, फिर वहाँ पर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर अकोला जाने के लिए। उससे पहले पेट्रोल भी डलवाना है यार, तो इसी वजह से फिर पेट्रोल डलवाने आ गए यहाँ पे, पेट्रोल डलवाया उसके बाद निकले, तो ऐसे करके बहुत लेट हो गया वहाँ पर जाने के लिए। तो 12 तो बज ही चुके थे, पूरे रिलेटिव आ गए थे और पूरे रिलेटिव हमारा ही वेट कर रहे थे, क्योंकि क्या है कि मम्मी सबसे बड़ी है ना, मतलब मम्मी से बड़ी एक मासी है मेरी, और लेकिन मम्मी की शादी जल्दी हो गई थी, वो मासी की लेट हो गई थी, तो इसी वजह से मासी के जो बेटे हैं वो थोड़े छोटे हैं मुझसे, तो मम्मी ही सबसे बड़ी है, तो फिर हम लोग का ही सब लोग वेट कर रहे थे, सब छोटे छोटे भाई बहन हैं मेरे, वही वेट कर रहे थे हमारा। और क्या है ना कि अभी अभी मैं सब वेडिंग्स वगैरह ये सब फंक्शंस वगैरह अटेंड करने लगी हूँ, क्योंकि क्या होता था कि पहले हम लोग आर्मी में इनकी जॉब थी, तो इसी वजह से हम लोग बाहर बाहर ही घूमते थे, तो यहाँ के फंक्शंस वगैरह अटेंड नहीं होते थे। इसी वजह से जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से फिर यहाँ के फंक्शंस वगैरह अटेंड करने लगी हूँ। तो ये सारी मेरी मामा की बेटियाँ हैं, और यहाँ पर मेरी मासियाँ बैठी थी, और उसके बाद सारी मासियाँ ही है, ये मेरी मामा की बेटी, ये मेरी बड़ी मासी, ये मेरी छोटी मासी, उसके बाद वहाँ पर मतलब सारे रिलेटिव्स ही है, वो भी पास पास के ही, क्योंकि एंगेजमेंट में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं, कम लोगों में ही एंगेजमेंट होती है, और वो भी यहाँ पर अभी कोरोना की वजह से तो इतने ज़्यादा लोग बुलाए भी नहीं थे, वैसे बुलाना चाहो तो काफ़ी ज़्यादा लोग बुला सकते थे, बट कोरोना की वजह से थोड़े थोड़े क्लोज़ रिलेटिव्स ही थे यहाँ पर हमारे। तो बस यही चल रहा है, सबसे मिलना जुलना हो रहा है, और सबसे पहले तो आते ही हम लोगों ने खाना खाने के लिए लिया, बस यहाँ पर खाना खाएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम होगा स्टार्ट। तो प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम था, मतलब शाम को प्रोग्राम होने वाला था एंगेजमेंट का, तो इसी वजह से फिर हम लोग पास पास के जो रिलेटिव्स है उनके यहाँ पर भी गए, उनके यहाँ पर भी उनसे मिलना हुआ, काफ़ी अच्छा लगा उस दिन हमें, काफ़ी एंजॉय भी किया हम लोगों ने, क्योंकि सब क्लोज़ रिलेटिव्स ही थे, तो इसी वजह से सबसे मिलना भी हुआ। एक्चुअली भाई की शादी में तो सब आए ही थे, तो उसके बाद तुरंत ये प्रोग्राम हुआ, तो सबके साथ अभी भी मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बस वही खाना वगैरह ही सब लोग खा रहे हैं, खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग दो तीन रिलेटिव्स के यहाँ पर जाएंगे, उस प्रॉपर जो एंगेजमेंट होती है जैसे कि रिंग सेरेमनी, तो वो होगी। तो यहाँ पर सब लोग फैमिली बैठे थे, मतलब मामा की बेटियाँ, जो मेरे बड़े मामा हैं, छोटे मामा हैं उनकी बेटियाँ हैं, और मासी के बेटे हैं, फिर छोटे मामा भी है पास में, और एक मासी की बेटी भी है, तो ये सारी मेरे फैमिली ही है पूरी। मतलब ये कौन है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, जैसे कि ये मेरे जो मम्मी हैं उनके बड़े पापा की बेटियाँ और बेटों की फैमिली, और उसके बाद यहाँ पर मामा मामी बैठे हैं। मामा मामी को तो आपने देखा ही होगा भाई के एंगेजमेंट, भाई की शादी के व्लॉग में, और उसके बाद यहाँ पर मम्मी भाभी मेरी, उसके बाद यहाँ पर ये पूरे सब मासी के बेटे ही है, मतलब छोटे बड़े सब मासी के बेटे ही है यहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पर पापा वगैरह हैं, सब क्लोज रिलेटिव्स ही थे। और अभी क्विकली आपको मेनू दिखा देती हूँ, क्योंकि मेनू दिखाना ही भूल जाती हूँ मैं, भाई की शादी में एंगेजमेंट में भी मेनू नहीं दिखाए थे आपको। तो यहाँ पर मसाला बैगन की सब्जी है, दाल चावल, उसके बाद काला जामुन है, उसके बाद क्या है छोले है, और क्या है पकोड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें, पापड़ वगैरह, ये मेनू में थे। तो बस मेनू भी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी बना था खाना भी। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पूछा था मेनू भाई के शादी का, एंगेजमेंट का, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई थी, इसी वजह से अभी आप मुझे वो कमेंट्स याद थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मेनू शूट कर लिए। बस यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है अभी एंगेजमेंट की, मतलब रिंग सेरेमनी की, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे ऐसे ही सब लोग बैठ जाते हैं आगे, और उसके बाद सामने रिंग सेरेमनी होती है। जैसे कि मैंने आपको भाई के एंगेजमेंट में बताया था कि दूल्हे के पैर दुल्हन का भाई धोता है और दुल्हन के पैर दूल्हे का भाई धोता है, तो वही यहाँ पर चल रहा है। ये जो है वो रेड शर्ट वाले मेरे मामा हैं, उनके पैर अभी दुल्हन का भाई धोएगा, उसके बाद दुल्हन के पैर उनका छोटा भाई धोएगा, मतलब मामा का छोटा भाई, जो छोटे मामा है मेरे, वो धोएंगे। तो ऐसे हमारे साइड के रीति रिवाज है। और हाँ, अगर आपने भाई के एंगेजमेंट का व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से भाई के एंगेजमेंट का व्लॉग देख लीजिए, और आपने अगर एंगेजमेंट व्लॉग देखा है, वेडिंग व्लॉग नहीं देखा है, तो वो सारे वेडिंग सीरीज ही आप देख लेना, आपको अच्छा लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे साइड के रीति रिवाज कैसे होते हैं।
मराठी लोगों की एंगेजमेंट कैसी होती है, मराठी लोगों की शादी कैसी होती है, और गांव की शादी कैसी होती है मराठियों की, तो वो आपको पता चल जाएगी। भाई की एंगेजमेंट, भाई की शादी के व्लॉग, भाई के रिसेप्शन के व्लॉग देख लेना, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। बहुत मेहनत से मैंने वो व्लॉग बनाया है और मेरी मेमोरीज भी है, तो आपको वहाँ पर मेरी घर की शादी कैसी हुई थी वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर दुल्हन है ये, तो दुल्हन के पैर मेरे जो छोटे मामा है वो धो रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर तिलक वगैरह होगा, उसके बाद रिंग एक्सचेंज होगी। तो ये तो आपको कुमकुम लगाया जाता है पैरों को, ये सब आपने देख ही लिया होगा भाई के एंगेजमेंट में। उसके बाद फिर उनको वो जो उनके लिए सामान लाया है, जैसे कि साड़ी, बैंगल्स और जो जो ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लाया है वो उनको दे देंगे। उसके बाद दुल्हन को जैसे दिया है वैसे ही पहले दूल्हे को दिया गया था, उसके बाद दूल्हा चेंज करके आया, फिर अभी दुल्हन चेंज करके आएगी। जो उनको सामान दिया है दुल्हन को, जैसे कि मेरी मामी ही है वो छोटी मामी, तो उनको जो सामान दिया है वो चेंज करके आएंगी। उसके बाद फिर और उनका ऑक्शन होगा, 5 लेडीज़ मिलके ऑक्शन करती है। तो ये तो आपको उस ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि 5 लेडीज़ मिलके ऑक्शन करती है, इस तरह से ऑक्शन होता है। उसके बाद फिर रिंग सेरेमनी होती है, जो रिंग एक्सचेंज होती है वो होती है। उसके बाद फिर केक कट होता है। तो ये सारा कुछ हमारे साइड में होता है एंगेजमेंट में, बहुत सारा तामझाम होता है यार, बहुत टाइम निकल जाता है इसी चीज़ों में। जैसे बाकियों के एंगेजमेंट कैसी होती है, सिर्फ रिंग एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद बस केक कट करते हैं, बट हमारे इसमें वैसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ये रीति रिवाज होते हैं। और उसके बाद ये रिंग है दूल्हा दुल्हन की, तो ये इस तरह से दुल्हन की रिंग उन्होंने ली थी दूल्हे की साइड के लोगों ने, और दूल्हे की रिंग जो है वो दुल्हन की साइड के लोगों ने ली थी। तो ये यहाँ पर दोनों भी रिंग लाके रख दी थी, और उसके बाद यहाँ पर दुल्हन चेंज करके आई है। ये हमारे साइड की साड़ी है, मतलब मामा ने मामी के लिए ली थी, तो वो वाली साड़ी है ये, वही वो चेंज करके आई है। उसके बाद उनका ऑक्शन होगा, वही 5 लेडीज़ मिलके ऑक्शन करेंगी। और जो जो हमारे साइड से उनके लिए लाया है, जैसे कि ये फ्रूट्स लाए थे और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके बाद और कुछ कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो वो सारे गिफ्ट्स एक एक लेडीज़ मिलके हमारे साइड की उनको देगी। और उसके बाद वो रिंग एक्सचेंज करेंगे। तो यही हमारे साइड में होता है, आपके साइड में एंगेजमेंट कैसी होती है कमेंट करके ज़रूर बताना है। और हाँ, फरवरी में मामा की शादी की डेट निकली है, तो इसी वजह से आपको शादी के व्लॉग बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, और वो भी गांव की साइड की शादी कैसे होती है वो देखने के लिए मिलेगी आपको। आपको प्रॉपर गांव की शादी दिखाऊंगी मैं, बहुत अच्छे लगने वाला है आपको देख के कि प्रॉपर गांव की शादी कैसे होती है हमारे साइड की, वो देखने के लिए मिलेगी आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू। और यहाँ पर बस रिंग के एक्सचेंज होंगी, उसके बाद फिर केक कट होगा, तो जैसे भाई के एंगेजमेंट में हुआ था वैसे ही सेम। तो यहाँ पर बस वो रिंग एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद केक कट करेंगे, उसके बाद हम लोग घर निकल जाएंगे। तो बस यही था मेरा छोटा सा एंगेजमेंट का, मामा के एंगेजमेंट का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि महाराष्ट्रियन वेडिंग, महाराष्ट्रियन एंगेजमेंट कैसी होती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप देखते हो यार और सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद एक बेल आइकॉन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे सबसे पहले देख पाओगे। क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर देते हो, बट उसके बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसको क्लिक नहीं करते हो। उसको क्लिक करने से क्या होगा कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मेरे व्लॉग की आपको सबसे पहले मिलेगी, और उसे आप सबसे पहले देख पाओगे। यहाँ पर मामा ने मामी को गिफ्ट दिया था मोबाइल फ़ोन, जो सब लोग देते हैं आजकल, वही ट्रेंड में चल रहा है कि सब लोग मोबाइल फ़ोन ही गिफ्ट करते हैं, कोई लैपटॉप देता है, कोई मोबाइल फ़ोन देता है, तो यही होता है। और बस यहाँ पर पैर पड़ेंगे सबके, उसके बाद केक कट होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो उसके बाजू में बेल आइकॉन क्लिक किया है या नहीं किया है वो ज़रूर चेक करना, अगर नहीं किया है तो बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।